अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2020 के लिए मास्टर वीडियोस का आज रहेगा पार्ट 2, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा CDS 1 2020 के लिए मॉक्स, करंट अफेयर के नोट्स, इंग्लिश के मॉक्स, GS के मॉक्स सभी कुछ अवेलेबल है। अगर आपने GS के ये मॉक्स अभी तक सॉल्व नहीं किए तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक की तरह काम करेंगे। इसके पर्क ये है कि एक तो आपको एक्सप्लेनेशन साथ में मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग स्टैटिक क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं, और उसके साथ साथ जो है ये सारे ही क्वेश्चंस नए रहेंगे इस मॉक सीरीज में, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है। तो जिस तरह के नए क्वेश्चंस पैटर्न पर आपको CDS पूछेगा उसी तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो ये 1000 से 1500 क्वेश्चन अभी भी आपके पास वक्त है, तो ये मॉक सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं मास्टर वीडियो का पार्ट 2, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, फॉरेस्ट कवर की। तो देखिए इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है। तो देखिए जो फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट आई थी, जो कि हर 2 साल में एक बार आती है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का अप टू 24.56% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर है। पहला पॉइंट मत भूलना। दूसरा, क्या फॉरेस्ट कवर इंडिया का इंक्रीज हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। अगर बात करें कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट का है, तो वो है मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल, थर्ड पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा, फिफ्थ पे महाराष्ट्र। अगर पूछे परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, वो है मिजोरम, देन अरुणाचल, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। तो देखिए ये चीज़ जो है आपने ध्यान में रखनी है, परसेंटेज वाइज ये लिस्ट है, एरिया वाइज ये लिस्ट है, और परसेंटेज वाइज में याद रखना कि टॉप 5 की 5 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की है, और इसको आपको अरेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। इस वजह से पांचों का सीक्वेंस जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो लिस्ट हो गई एरिया वाइज, और दूसरी होगी अगर परसेंटेज वाइज ज्योग्राफिकल एरिया पूछे। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आए कि लास्ट टाइम यानी कि जब 2017 में फॉरेस्ट कवर आया था और अब जब 2019 में आया है, तो कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरेटिवली। तो देखिए उस लिस्ट में सबसे ऊपर है कर्नाटका, वहां पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हुआ है, देन आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा केरला। इसके अलावा एक और लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, ये कौन सी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट की, कि मैंग्रोव कवर जो है हमारा वो कहाँ कहाँ पे इंक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हुआ है गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में। तो ये 4 लिस्ट जो है पता होनी चाहिए, 24.56% पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं सूर्य किरण। तो देखिए सूर्य किरण जो आपकी एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और नेपाल। और सूर्य किरण का ये 14th एडिशन था, अभी हुआ है कंडक्ट, कहाँ पर, नेपाल में। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस संवाद। तो देखिए GEM क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस संवाद क्या होता है, बातचीत, जब दो लोग बातचीत करते हैं या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं संवाद। अब देखिए है क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्या है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर सेलर्स जो है जो अपना सामान बेचना चाहते हैं वो रजिस्टर करते हैं, और पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वहाँ से चीज़ें खरीदती है इस पोर्टल पे आकर, ये जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं उनसे। अब ये जो हमारे रजिस्टर्ड सेलर्स हैं इनके साथ संवाद किया जा सके, इस वजह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस संवाद जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। किस वजह से, अगर ये रजिस्टर्ड सेलर से फीडबैक लेंगे कि किस तरह से और ज़्यादा
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को हम अच्छा कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा कंपैटिबल बना सकते हैं, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस संवाद, जो प्रोग्राम अभी अभी लॉन्च किया गया ताकि फीडबैक लिया जा सके। किसके लिए? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, त्रिपुरा गेट्स फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देखिए, त्रिपुरा को भी अपना पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है मिल चुका है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे आएगा? पश्चिम जालेफा जगह है वहाँ पे, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो 130 किलोमीटर अवे है अगरतला से। तो जगह का नाम याद रखना है कि कहाँ पे त्रिपुरा को अपना पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिला है। अब मैंने काफ़ी बार कहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर पढ़ लेना, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जगह होती है जहाँ पर इकोनॉमिक लॉज डिफरेंट होते हैं बाकी कंट्री के कंपैरेटिवली। यानी कि ये देखिए, ये है इंडिया, तो अगर कोई एरिया उठा लिया जहाँ पे इकोनॉमिक लॉज जो है बाकी कंट्री से डिफरेंट है, वहाँ पर उसको क्या कहेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये किस वजह से किया जा सकता है? इस वजह से कि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेबर बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो ये सारी चीज़ें जो है की जाती है। यानी कि लॉज को थोड़ा ढीला किया जाता है कि वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ सके। तो यही काम होता है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन जगह पर इकोनॉमिक लॉज जो है वो डिफरेंट होते हैं बाकी कंट्री से। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, देखिए इंडियन नेवी की सबसे बड़ी अब तक की एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुई। नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या है? अपहरण। इंडियन नेवी ने कोलैबोरेट किया था किसके साथ? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के साथ और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। और ये एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज हुई, यानी कि जो हमारे वेसल्स हैं, मरीन वेसल्स हैं, उनको कल को अगर हाईजैक किया जाता है तो उस सिचुएशन को कैसे निपटना है, उसके ऊपर एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज जो थी की थी। नाम क्या था? अपहरण। कहाँ पर हुई? कोची पोर्ट पर हुई। दोनों ही चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, इंडियन नेवी ने की, कोलैबोरेशन किसके साथ थी, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, अफगानिस्तान फर्स्ट कंट्री टू रेकोगनाइज इंडियन फार्माकोपिया। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा भी तो डायरेक्टली आएगा कि कौन सी कंट्री पहली बनी है जिसने इंडियन फार्माकोपिया को रेकोगनाइज किया है। देखिए, फार्माकोपिया होता क्या है? फार्माकोपिया एक रेकोगनाइज बुक होती है किस चीज़ की? ड्रग्स की, जिसमें अलग अलग ड्रग्स के बारे में लिखा होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिला सकते हैं, उसको लेने का तरीका क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है और बॉडी पर उसका क्या असर होगा, और उसको कितनी मात्रा में ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं। तो यानी कि फार्माकोपिया एक तरह का क्या है? मैनुअल है, बुक है, जिसको रेकोगनाइज किया जाता है। तो देखिए, इंडियन फार्माकोपिया यानी कि जो ये बुक है जिसमें ये सब कुछ मैनुअल में लिखा गया है, उसको अफगानिस्तान रेकोगनाइज करने वाली पहली कंट्री बन गई है। तो बस इतनी सी चीज़ आपने रखनी है याद। तो चलिए, आज के लिए मैं विराम लेता हूँ, जल्दी मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।